मोहम्मद शमी, आवेश खान, मोहम्मद सिराज, क्या टीम इंडिया से बाहर होने के पीछे है कोई राज? राज अरे भाई, डिस्कस तो ये करना है कि क्या ये जो क्रिकेटर्स हैं, और खास तौर पर कमेंट सेक्शन में एक बवाल मचा हुआ है कि मुस्लिम क्रिकेटर्स को बाहर किया जा रहा है टीम इंडिया के साथ, तो क्या इसमें कोई सेंस है? ये कैसी बातें हो रही है? यही तो डिस्कस करना है। तो भाई काफी लोग मतलब कमेंट सेक्शन में ऐसे लोग मिल रहे हैं हमें जो कि ये कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, आवेश खान, कई सारे मुस्लिम क्रिकेटर्स का बाहर होना टीम इंडिया से एक कॉन्स्पिरेसी है। पर मुझे इस बारे में बात करनी है क्योंकि मुझे लगता है कि एक टीम इंडिया ऐसी टीम है जहां पर अभी तक ये बीमारी नहीं पहुंची है। तो मुझे लगता है कि मुझे उस चीज में दम समझ में नहीं आ रहा, और यही बात करने के लिए हम आज बैठे हैं पूरे स्टैट्स के साथ, और यही बात आपसे भी डिस्कस करना चाहते हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, क्योंकि हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद शमी की, क्योंकि मोहम्मद शमी के साथ काफी सेंटिमेंट है, हम भी चाहते थे कि मोहम्मद शमी टीम में हो, पर मोहम्मद शमी टीम में अगर नहीं है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है मोहम्मद शमी का T20 इंटरनेशनल्स का रिकॉर्ड। T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स अगर आप उनके उठा के देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि बहुत ज्यादा उन्होंने रन लुटाए हैं, विकेट्स भी उस तरीके से नहीं लिए हैं। अग्रेसिव बॉलर्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, हम कई बार अपनी वीडियोस में कहते आए हैं कि वो रन्स देते हैं, लीक करते हैं रन्स, वो ज्यादा रन देते हैं, ज्यादा विकेट लेते हैं, लेकिन हाँ, मोहम्मद शमी से ज्यादा रन दे रहे हैं, विकेट नहीं ले रहे हैं। वो दिक्कत एक आ रही थी, और मोहम्मद शमी के लिए हमने अपने पिछले वीडियोस में ये भी कहा है, उनकी तारीफ में कहा है कि उनको टीम में आना चाहिए था एज अ बैकअप ऑफ जसप्रीत बुमराह। जब आपके पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं था तो ऐसे में कौन और पीछे था जिसको लाया जा सकता था। मोहम्मद शमी को इस बार कम से कम डोमेस्टिक सीरीज के लिए लिया गया था, लेकिन एन वक्त पर उनको कोविड का कीड़ा काट गया, और इसीलिए उससे पहले भी जब मोहम्मद शमी को लेकर जब बहुत सारी बातें हो रही थी, तो वो बातें थी कि जब दुबई में आप एशिया कप खेलने गए और आपके पास बुमराह नहीं थे, तो बुमराह के बैकअप की तरह, बुमराह के रिप्लेसमेंट की तरह आपको मोहम्मद शमी को ले जाना चाहिए था, क्योंकि उनका जो आईपीएल का सीजन था इस साल का वो अच्छा था। आप आवेश खान को लेकर गए थे, आवेश खान के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वहां पर गुस्सा ये था कि आप मोहम्मद शमी को क्यों नहीं लेकर गए। लेकिन अगर आप ओवरऑल टीम देखो कि इतने टाइम से मोहम्मद शमी बाहर क्यों हैं, वो इसलिए क्योंकि मोहम्मद शमी ने अपने पूरे करियर में 17 T20 मैच खेले हैं और सिर्फ 18 विकेट लिए हैं, 17 मैच 18 विकेट, और इकोनॉमी उनकी है 9.55, यानी कि हर ओवर में 9.55 रन देते हैं वो। तो इतना महंगा बॉलर जो कि विकेट नहीं ले रहा, और खास तौर पर अगर हम बात करें कि मोहम्मद शमी को कब टीम से हटाया गया, वो हटाया गया 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद। 2021 में उनकी परफॉर्मेंस थी, 5 मैच खेले उसमें उन्होंने सिर्फ 6 विकेट लिए थे, और इकोनॉमी थी 8.84 की। तो जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट पिछले साल वर्ल्ड कप में जब वो पिटे, तो उसके बाद टीम के सिलेक्टर्स ने उन्हें बाहर निकाल दिया, तो वो जस्टिफाइड सा है। मुझे नहीं लगता इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल करने की कोई जरूरत है। इसमें बस एक उनके फेवर में चीज आ रही थी कि आईपीएल जिस तरह से उन्होंने खेला था, इस बार शायद 20 विकेट्स लिए थे, हाँ। और पिछले इनफैक्ट 2-3 बार से आईपीएल के अंदर उनका परफॉर्मेंस है 19-20 विकेट्स, ऐसे वो फिगरेटिवली वाला नहीं कह रहे कि 19-20 चल रहा है, हाँ। उनका अच्छा परफॉर्मेंस आईपीएल में चल रहा था इस साल भी, इसीलिए हमने कहा था कि शायद शमी को अगर पुराना, उनके पुराने पाप को बुला दिया जाए जो वर्ल्ड कप में हुआ, सब लोग दिलजले होकर बैठे हुए थे, उसको बुला दिया जाए और अच्छी फॉर्म को कंसिडर किया जाए, तो शायद शमी को लेके आया जा सकता था। बट ऐसा लगता है कि ओवरऑल बीसीसीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो नहीं है। इसके लिए अतुल वासन साहब ने एक रीजन ये भी दिया था कि जब उम्र थोड़ी बढ़ जाती है उसके बाद आपको एक फील्डिंग ऑप्शन भी देखना होता है कि ऐसे में जो फील्डर आपके लिए दौड़ भाग कर सके, डाइव लगा सके, सब कर सके, एक ऐसा बंदा उन्हें फील्ड में चाहिए, तो बॉलर भी उन्हें थोड़ा वो क्या कहते हैं यंग टांगों वाला चाहिए।